For my loves, darling angel. चलो साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके? ये क्या किया आपने मेहर जी? हमारे पास 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा और आप ऐसे? सब्जी जी, मैं जानती हूँ कि एंजल को इतने कम टाइम में ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, जान डाल दूंगी। और वैसे भी सरबजीत जी, आपने ही कहा था ना कि बाबा जी को ये इशारा देंगे। ट्रस्ट मी, यही बाबा जी का इशारा है। ये क्या लिख रही हैं आप? कुछ जड़ी बूटियों के नाम, मार्था जी को बोल के मंगवा लूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहर है। और आपका नाम? मानव। M for मानव, M for मेहर। और M for मानव पे रवदी मेहर। इस एम का मतलब मेहर है या मानव? इस एम का मतलब है मानव पे रवदी मेहर। आप मेरे फ्रेंड बनोगे? बनूंगा मतलब? मेहर और मानव तो हमेशा से फ्रेंड्स हैं। कम महर? नहीं, मुझे मानव अंकल के साथ रहना है। आई प्रॉमिस, महर और मानव कभी अलग नहीं होंगे। और आप मेरे सबसे अच्छे वाले दोस्त हो ना? हाँ। अच्छे बच्चे की तरह मम्मा के पास जाओ। ओके मानव अंकल, बाय मानव अंकल। बाय। मेहर और मानव कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, जल्दी लौट आऊंगा। तो विकी, ऐसे कैसे? कल फ्लाइट है हमारी। बस थोड़ी देर और मैं, बस थोड़ी देर और, अगले 24 घंटे के अंदर ना मैं तेरे सामने होऊंगा और तब हम फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और तब ना हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप थक गई होंगी। आइए मैं पीस देता हूँ। सरबजीत जी, आप मेथी काटिए और लहसुन छीलिए, वरना मार्था जी ने आपको पीस देना। मेहर जी, वो सब आप कर लीजिए, जड़ी बूटी मैं पीस देता हूँ। नहीं सरबजीत जी, किस जड़ी बूटी को कितना पीसना है, कितना मिलाना है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। तो आप मुझे गाइड करती रहिए और मैं वो सब कुछ कर लूंगा। सरबजीत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, पंजाब में सिलभट्टी और ढेंकी में
आसान होता था और यहाँ, पर डोंट वरी, मैं कर लूंगी। नो इट्स नॉट ओके, लाइए। रब्बा अब आप जड़ी बूटियां नहीं पीसेंगी। चलिए आइए उठे आप। सर अबजीत जी, ये लेप बनाने में 7 घंटे लगते हैं और इसे जब सुबह की धूप में लगाया जाएगा तभी ये असर करेगा। मेहर जी, सच्चे दिल से की गई कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती है, असर जरूर दिखेगा। रब करे ऐसे ही हो। सरबजीत जी, मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना है, मेरे परम और करण पता नहीं कैसे होंगे। रोमांस हो गया तो कुछ काम भी हो जाए। जी मैडम जी, वी आर अ वर्क ओनली। ये सब तुम्हारा काम नहीं, इन जूतों को पॉलिश करो और चेहरा दिखना चाहिए। 2 घंटे है तुम्हारे पास। जी मैडम जी। नहीं सरबजीत जी, आप ये शूज पॉलिश नहीं करेंगे, हद होती है। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। महर जी, मैंने कितनी बार गुरुद्वारे में जोड़ा घर में सेवा की है। हाँ, पर वो गुरु घर था और वो सेवा थी। जिनके दिल में गुरु हो उनके लिए हर जगह गुरु घर होता है। यारे, मेहर और सरब का फोन अभी तक स्विच ऑफ क्यों है? वैसे तो अच्छा ही है, ऑलरेडी वो दोनों इतनी टेंशन में है। उन्हें परम के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा तो कुछ नहीं होने देना। मैंने अपने परम को ये 50 करोड़ रुपए उनके मुंह पर मारूंगी और परम को वापस लेकर आऊंगी। परम के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी दुनिया में। इतनी देर से फोन स्विच ऑफ था और रिंग जा रही है पर डिस्कनेक्ट कर रहा है। ओरलीन जी, तुसी बिल्कुल फिकर ना करो। ओ, मैंने अभी किशन खलीफे से बात की है। किशन खलीफा? ओ आहो रॉबी जी, वो अमर सर का माना हुआ बदमाश है जी, माना हुआ। और जैसे लोहा लोहे नु कट देना वैसे ये बिच्छू नु किशन खलीफा काटेगा। वो मैं अभी आती हूँ। कुलंकौर जी, प्लीज उसके सामने परम का नाम मत लीजिएगा, कहीं उसको। वो तुसी फिकर ना करो, साडे पीफ और परम नु कुछ नहीं होना। मैं अभी आती हूँ जी। मॉम, विकी का फोन मिल गया। डैम विकी, व्हेयर द हेल आर यू? तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज फोन उठाओ। अब मैं ट्राई करती हूँ। कोई फायदा नहीं सीमा जी, अदिति का फोन नहीं उठाया उसने तो आपका भी फोन नहीं उठाएगा। शायद वो किसी जरूरी काम में। Yes, mom. विकी, कहाँ हो तुम? अब मॉम, मैंने बताया था ना, एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दुबई में ले ओवर है तो मैं यहीं था। दुबई? विकी, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? किसी ने परम को किडनैप कर लिया।
डोंट वरी मॉम, मैं परम को कुछ नहीं होने दूंगा एंड दैट्स माय प्रॉमिस। उस बच्चे में मैर जी की जान बचती, उसे मैं एक भी खरोंच नहीं आने दूंगा। ये बात मैर जी को पता है? कोई कॉल आया उनका? मेहर और सरब का फोन तो शाम से ऑफ आ रहा है। इट्स ओके मॉम, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेट मी कॉल माय टीम, वो दो मिनट में परम की लोकेशन ट्रैक कर लेंगे और जैसे ही लोकेशन मिलेगी परम भी मिल जाएगी। ओके बेटा। अब तक किसके घर से पैसों का इंतजाम करके किसी का फोन क्यों नहीं आया? कहीं इन्होंने पुलिस को तो नहीं बता दिया? देवराज, एनी अपडेट? जी सर, हमने पता लगा इस बिच्छू के बारे में। सर एक बुरी खबर है। मतलब? सर ये बिच्छू बहुत ही खतरनाक आदमी है, 110 बच्चों को अब तक किडनैप कर चुका है। सर फिरौती की रकम मिले या ना मिले, सर एक भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ता। 12 स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है सर ये बिच्छू। आई थिंक ही इज अ साइको, अ कंप्लीट साइको। देवराज रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू बी रियली केयरफुल। परम को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। विल ट्राई आवर बेस्ट सर। सर अगर आप आ जाते तो? देवराज मैं काम से बाहर आया हुआ हूँ, आ नहीं पाऊंगा। तुम अपनी पूरी टीम को इस काम पर लगा दो, मुझे परम सही सलामत वापस चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? जी सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सरब जी, सरब जी जी, सरब जी जी उठिए। चलिए लेप बन गया। अपराध पर सोई नहीं? चले लेप तो लगा दोगे, लेकिन एंजल को धूप कैसे मिलेगी? उसके रूम में तो बिल्कुल धूप नहीं आती। पर मैडम जी, धूप लगना तो बहुत है, अगर लेप नहीं सूखेगा तो असर कैसे होगा? मैडम अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं तो? सोचना भी मत, अगर एंजल उठ गई ना तो हंगामा मचा देगी, तोड़ फोड़ करेगी और लेप भी हटा देगी। ये उठनी नहीं चाहिए, और उठेगी नहीं तो धूप में जाएगी कैसे? अब बोलो क्या करना है? जब सरब और मेहर संग तो जीत लेंगे कोई भी जंग।
ठीक से करना हाँ। एंजल उठनी नहीं चाहिए। बी केयरफुल। यस मैडम जी। मैडम जी, बी केयरफुल। थोड़ा हल्के से लगाइएगा। अगर एंजल उठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सरब जी जी, वो हल्के हाथ से लगाऊंगी तो लेप का शायद असर ना हो। अभी भी नींद कच्ची है इसकी। चिंता मत कीजिए महर जी, मैं सूरज की रोशनी एंजल पर नहीं पड़ने दूंगा। महर जी, परम और करण ने हम दोनों को बच्चों के बारे में कितना कुछ सिखा दिया ना। बच्चों की बड़ी याद आ रही है सरब जी। कल से परम और करण की आवाज तक नहीं सुनी। मैं भी यही सोच रहा था। आप एक बार मार्था जी से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि वो 5 मिनट के लिए हमें फोन दे दें। पता नहीं परम और करण हम दोनों को कितना मिस कर रहे होंगे। हेलो मोहन पापा, आप कैसे हो? करण छोटे भाई, तुम कैसे हो? अरे बेटा नहीं ना, बिल्कुल नहीं रोते। I'm so sorry, करण। आपके पीफ और परम, आपके बिग ब्रदर को एक भी दिन संभाल नहीं सके। I'm sorry बच्चा। हलीम जी, उससे हिम्मत रखो। आप देखना, रब ने सब ठीक कर देना। क्या जवाब दूंगी मैं सरब को, मेहर को? पता नहीं कैसा होगा मेरा परम, किस हालत में होगा। तुझसे हिम्मत रखो। बेबी, सरब ब्रो के जितने भी बिजनेस है ना, पेट्रोल पंप्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स, क्लब, शुगर मिल, क्लोथिंग मिल, जहाँ से भी जितना भी कैश अरेंज हुआ ना, मैं सारा लेके आ गया हूँ। चलो अब फटाफट इसे काउंट करते हैं। रॉबी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तुम जल्दी जाओ और ये सब नोट गिनने की मशीन लेकर आओ। ओके। मैडम जी, लेप लगा दिया, बस जल्दी सूख जाएगा। मैडम जी, आई एम अ रिक्वेस्ट, अगर 5 मिनट के लिए आप मुझे मेरा फोन देती थी तो। वो क्या है ना, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। दोनों बेचारे पिंड में अकेले हैं तो। सीरत, अपना ध्यान अपने बच्चों से छोड़कर मेरी बेटी एंजल पे रखो। अगर मेरी बेटी एंजल को तुम्हारी इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारा बैंड बाजा बजा दूंगी। और रही बात फोन की, तो पहले काम कंप्लीट करो। रात के 8 बजे 5 मिनट के लिए टेबल पे रख दूंगी फोन। अपने बच्चों से बात कर ले। विल पास मी द जूस। पर मैडम जी, अभी तो सिर्फ सुबह के 8 ही बजे हैं। हे भाई करो, जब तक ये लेप सूख ना जाए तब तक इसकी नींद ना टूटे। What the hell is this, mom? हटाओ इसे। एंजल, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.